नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट थिंक में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेलवे स्टेशन मास्टर, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट भी समय समय पर विभिन्न पदों जैसे स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, लोको पायलट, गुड्स गार्ड आदि की वैकेंसी निकालता रहता है। और इन सभी पोस्ट में सबसे अहम पोस्ट होती है रेलवे स्टेशन मास्टर की, जो सबको आकर्षित करती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे स्टेशन मास्टर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि रेलवे स्टेशन मास्टर क्या होता है और इनका क्या काम होता है, रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, सैलरी कितना मिलता है और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको रेलवे स्टेशन मास्टर बनने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं रेलवे स्टेशन मास्टर कौन होता है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो ट्रेन में जरूर सफर किए होंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन में सफर ना किया हो, क्योंकि दोस्तों जब हमें कोई लंबा सफर तय करना होता है तो हम में से ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं। तो जब आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है तो आप ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाते हो, रेलवे स्टेशन पर। तो जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर आपने रेलवे स्टेशन मास्टर को जरूर देखा होगा, जो एक पैनल पर लाल, हरी, पीली लकीरों और बत्तियों पर उंगलियां फिराते हुए रहते हैं, जो कि उस स्टेशन पर किसी भी वक्त आ रही ट्रेन के आवागमन के सिग्नल होते हैं। तो दोस्तों जो वो काम कर रहा होता है उन्हीं को हम रेलवे स्टेशन मास्टर कहते हैं। रेलवे स्टेशन मास्टर का पद रेलवे विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है और इसकी गिनती रेलवे प्रमुख अधिकारी के रूप में होती है, जो कि रेलवे स्टेशन पर उपस्थित कार्यविधि की जानकारी का लेखा जोखा रखता है। रेलवे स्टेशन मास्टर का काम होता है रेलवे स्टेशन पर होने वाली हर काम को सुपरवाइज करना, यानी कि गाड़ियों के सही तरीके से आवागमन का ध्यान रखना, उनका प्लेटफॉर्म नंबर डिजाइन करना, सामान ढुलाई पर निगरानी रखना, स्टेशन की स्वच्छता और सुविधाएं देखना, स्टेशन पर किसी तरह के विवाद का निपटारा करना, अपने जूनियरों को उनके काम बांटना और उनको गाइड करना। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि रेलवे स्टेशन मास्टर क्या होता है और इनका क्या काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास किसी भी महाविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एंड आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड यदि आप रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स डिप्लोमा कोर्स किए हो तो आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगा। तो अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट है तो आप स्टेशन मास्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आरक्षित वर्ग के लोगों को नियम अनुसार उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी जाती है। जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का उम्र 18 से 32 वर्ष के अंदर होना चाहिए, वहीं अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों स्टेशन मास्टर की चयन प्रक्रिया परीक्षा के दौरान ही शुरू हो जाती है, जिसमें उम्मीदवार को मुख्य रूप से 3 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले चरण में CBT 1 की परीक्षा होती है, जो कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होती है, और दूसरी आपकी लिखित परीक्षा होती है CBT 2 की, जो कि 2 चरणों में विभाजित होती है, पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण अंतिम परीक्षा, जिसे मेन एग्जाम भी कहते हैं। तो आइए सभी एग्जाम्स के बारे में जानते हैं। सो नंबर 1, CBT 1
यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें कैंडिडेट की परीक्षा कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, जैसे कंप्यूटर आधारित टेस्ट, टाइपिंग स्किल्स टेस्ट, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। नंबर 2 CBT 2 प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ ही यदि आप एक भी सवाल का जवाब गलत लिखते हैं तो रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। मेन एग्जाम, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसमें 120 नंबर का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है और समय 90 मिनट का ही दिया जाता है। नंबर 3 मेडिकल टेस्ट। अगर आप इन दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आंखों की जांच की जाती है, शरीर के अंगों की जांच की जाती है, ये जानने के लिए कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को मेंटली और फिजिकली भी हेल्दी रखना काफी जरूरी है। अगर आप दोनों रूप से हेल्दी है तब आप मेडिकल टेस्ट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप CBT 1 और CBT 2 एंड मेडिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसके बाद आपको रेलवे के द्वारा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आप पूर्ण रूप से एक रेलवे स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रेलवे स्टेशन मास्टर की सैलरी कितनी होती है। स्टेशन मास्टर चूंकि एक बहुत ही अच्छी सरकारी जॉब है और रेलवे में ग्रेड के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है, रेलवे स्टेशन मास्टर की सैलरी 5,200 से 20,200 तक हो सकती है, जो कि पे स्केल के अंतर्गत आती है। और वहीं बेसिक पे AVR की सैलरी 8,560 रुपए होती है और ग्रेड पे में 2,800 तक का पेमेंट दी जाती है। कुल वेतन आयोग को मिलाकर एक रेलवे स्टेशन मास्टर की सैलरी 38,000 से 40,000 तक होती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि रेलवे स्टेशन मास्टर क्या होता है और रेलवे स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नई वीडियोस आप रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।